क्या रोमांचक मुकाबला देखने को मिला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, जहां मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए जब तक इनिंग की आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, जब तक किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। आपको बता दूं, सबसे पहले पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए सैम करन के धुआंधार अर्धशतक की मदद से, और यहां पे हरप्रीत सिंह के 41 रन, और अंत में जितेश शर्मा के 7 गेंदों पर 25 रन की बदौलत अपने 20 ओवर में 214 रन बना देते हैं और 215 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के सामने रख देते हैं। ये लक्ष्य किसी भी मैदान पर, किसी भी गेंदबाजी लाइनअप के सामने ये लक्ष्य बड़ा होता है, और मुंबई इंडियंस की शुरुआत ठीक उसी प्रकार रही। कोई एक बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट जाता है और आज ईशान किशन लौटते हुए नजर आए, 4 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा 27 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के और 4 चौके की मदद से बनाते हैं 44 रन। वहीं कैमरून ग्रीन का दिन रहता है गेंदबाजी के साथ 2 विकेट, वहीं 43 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 67 रन की धुआंधार पारी खेलते हैं। वहीं फॉर्म में वापस आते हैं सूर्य कुमार यादव, 26 गेंदों में धुआंधार 57 रन की पारी खेलते हैं। टीम डेविड अंत तक नाबाद रहते हैं, मुकाबला आखिरी ओवर में चले जाता है इन सब बल्लेबाजों की बदौलत। आखिरी ओवर में जरूरत होती है 16 रन की मुंबई इंडियंस को, किसी भी गेंदबाजी को एक तरीके से ये लक्ष्य बड़ा नहीं कर सकते हैं। टीम डेविड जब तक मैदान पर मौजूद थे ये लक्ष्य छोटा हो सकता था, लेकिन पहली गेंद पर एक तरीके से सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइक रेंज पर चले जाते हैं और यही वो एक तरीके से गलती कर देते हैं। 5 गेंदों पर 15 रन की जरूरत होती है, लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर कराने आए अक्षदीप सिंह, पहले तिलक वर्मा का, उसके बाद निहाल वधेरा का, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर तीसरी और चौथी गेंद पर विकेट लेकर एक तरीके से मुकाबला पलट देते हैं और आखिरी के 3 गेंद पर 15 रन, यानी मुकाबला एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल मुंबई से दूर जा चुका था। और टीम डेविड जो छक्के लगा सकते थे वो स्ट्राइक पर आ ही नहीं पाते, नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही एक तरीके से रुके रह जाते हैं, और इसी के साथ कह सकते हैं कि 13 रन से मुकाबला या मुंबई इंडियंस हार जाती है।